नमस्कार, सुधा रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन वाली कुरकुरी मूंगफली। आइए शुरू करते हैं। ये हमने 250 ग्राम मूंगफली ली है और ये एक कटोरी बेसन। ये हमने इसमें बेसन को डाल दिया और अब हम इसमें अब ये आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और ये आधा ही ये खाने का सोडा डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल देते हैं और ये थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च, ये थोड़ी हल्दी, क्योंकि इसमें हल्दी मिर्च का अच्छा वो आता है फ्लेवर। और इसमें मिर्च की तो लाल मिर्च की थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं बस। और इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं, ये थोड़ा चाट मसाला डाल दिया। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़े मूंगफली डालकर इसको थोड़ा सा मसाला, ये मूंगफली डाल दी। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी, हल्का सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। कर रही मैंने बेसन ही डाल दिया, डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारी सारा ये मूंगफलियों पर मसाला लग जाएगा, ये बेसन अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए चिपक रहा है, धीरे धीरे सब चिपका लेते हैं। फिर हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें कुछ करना तो होता नहीं है। मसाले डाले और मूंगफली में इसमें भी मूंगफली डालिए, अच्छी तरह से चिपक जाए, उसको तल दो बस। ये रिफाइंड गर्म कर लेते हैं, ये गर्म हो जाएगा फिर हम ये इसमें डाल देंगे। हमें इसे मीडियम गैस पर रखना है घी को, हम देखते हैं कि ये हो गया कि नहीं हुआ। इसको हम मीडियम गैस पर रखते हैं और देखते हैं ये हो गया कि नहीं हुआ। ये हमारा ठीक हो रहा है बिल्कुल, मीडियम गैस पर रखना है, तेज पर रखेंगे तो वो कच्चा रह जाता है। और अब हम इसको ये थोड़ा सा इसके बुलबुले ख़त्म होंगे फिर हम इसको अलग अलग कर देंगे। अब हमारी ये मूंगफली ब्राउन हो गई है, अब हम इसको उतार लेते हैं। ये हमें दूसरा थोड़ा सा है, ये इसको भी डाल देते हैं, जो बचा है हमारा इसको भी डाल देते हैं। इसको थोड़ी देर में जब ये बुलबुले, ये देखिए अब हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसको भी उतार लेते हैं और फिर देखते हैं कैसी बनी है। करारी करारी देखने में, करारी करारी लग रही है और ऊपर से इसमें मसाला डाल देंगे तो और भी अच्छी लगेगी। अब इसके झाग भी निकले, तेज करें ना ये हम इसको उतार लेते हैं और इसमें गरम गरम में ही मसाला डलता है जिससे कि चिपक जाए, मसाला चिपक जाए। ये मैंने घर में बनाया हुआ मसाला है इस पर डालने के लिए, ये मैं इस पर डाल देती हूँ। और मैंने पहले बताया था आपको ये किस किस चीज़ों से बनता है और फिर भी बाद में बता दूँगी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मूँगफली हमारी कितनी स्वादिष्ट और कुरकुरी है, ये देखिए, और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी
की और बेसन भी अच्छी तरह से चिपक गया है इसमें। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।